हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके लीडिंग न्यूज़पेपर में से होती है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे अपने फैमिली के साथ में, फ्रेंड के साथ में, ताकि किसी भी एग्जाम में आपको कोई समस्या नहीं आए। देखिए, दो प्रकार के करंट अफेयर सेशन होते हैं अपने, एक तो सुबह 5 बजे और एक सुबह 8 बजे। ठीक है, तो सुबह 5 बजे और 8 बजे की अगर बात करें तो 5 बजे हम लोग क्वेश्चन करते हैं और 8 बजे हम लोग डिटेल के अंदर करंट अफेयर है जो कि हम लोग कवर करते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप 25th ऑफ अगस्त है आज, और इनमें से अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम को फाइट कर रहे हो तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा है जो कि आपको आने वाला है इस सेशन के अंदर। ठीक है गाइज, आप रेगुलर रहिए, 6 महीने आपको देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम दोगे तो बिल्कुल आपको 80-90% क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे जो कि हम लोग कवर करते हैं। देखिए, मैं करंट अफेयर को ना बहुत ज्यादा डिटेल में लेके जाता हूं ताकि आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट ना रहे, मैं बहुत कम भी नहीं लेके जाता ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो। हम लोग वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट कवर करते हैं जो कि आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली आते हैं जो हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चन देखेंगे, आज के सारे न्यूज़पेपर, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट, और आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हम लोग कवर करेंगे। आज के क्वेश्चन की बात करें, कल मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था कि कौन से राज्य के सीएम ने 10 लोगों का डेलीगेशन को लीड किया है पीएम मोदी से मिलने के लिए कास्ट सेंसस को लेकर। तो आपको मालूम है नीतीश कुमार ने लीड किया था, तो ये बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था शैली सिंह को लेकर, शैली सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है अंडर 19 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर, और यहां पे ये दोस्तों लॉन्ग जंपर है बहुत ही जबरदस्त, ये अंजू बॉबी जॉर्ज के इनकी कोच है अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के अंदर जो कि केन्या के अंदर करवाई जा रही है। कौन सी स्पेस एजेंसी ने बोला है कि वो रॉक्स सॉइल सैंपल मून से जो है वापस लेके आएगी 2029 तक, तो ये जापान के द्वारा, जक्सा के द्वारा दोस्तों ये बात है जो कि कही गई है। नेक्स्ट है फर्स्ट स्मोक टावर जो कि कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया, तो दिल्ली एनसीटी में इसको इनॉग्रेट किया गया। आप सभी को मालूम है 70,000 AK-200 सीरीज की जो असॉल्ट राइफल है हम कौन से देश से खरीद रहे हैं, तो हम लोग रशिया से खरीद रहे हैं, ये आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको रेफरल कोड लगाना पड़ेगा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU10 और आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, और आप इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर आपको सारे सब्जेक्ट जो कि पढ़ाते हैं, चाहे आप UPSC का ले सकते हैं, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, सारे टॉप एजुकेटर की PDF कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जाती है। आपको ऐप अन अकेडमी डाउनलोड करनी होती है, मोबाइल नंबर डालना होता है, यहाँ पे अपना गोल सिलेक्ट करना होता है, 30+ एग्जाम में से आप कोई सा भी गोल सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लस में जाइए गेट सब्सक्रिप्शन में और 12 या 24 महीने पर सिलेक्ट करके BHU10 है जो कि आपको नीचे की तरफ लगाना है। ठीक है, और UPI के द्वारा भी आप, EMI के द्वारा भी आप पे कर सकते हैं। ओके, और कंप्लीट GK वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूं 1st of September से, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाली है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, SSC के अंदर मैं कंप्लीट GK आपको पढ़ा रहा हूं, PCS तक के लिए काम आएगी, बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे। और 1 सितंबर से स्पेशल क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, फ्री स्पेशल क्लास डेली सुबह 10 बजे, और इस बार सैटरडे को भी जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास है जो कि स्पेशल क्लास के ऊपर प्लान कर सकूं। आज का कोट ऑफ द डे है जो कि अक्षय के द्वारा भेजा गया है, हर चीज में अपना बेस्ट ट्राई करो, क्या पता कौन सी चीज आपको कामयाबी दिलाएगी। तो बिल्कुल सही बात यहां पे बोले गई है, देखिए लाइफ में बहुत सारे फेलियर आते हैं, बहुत सारी चीजें आप ट्राई करते हो, फेल होते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको अपना बेस्ट देना होता है। अगर आज आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम में सिलेक्शन हो ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आज अपना अपना बेस्ट दो ताकि कल को रिग्रेट ना रहे कि मैं ऐसा कर लेता कर जाता, तो आपके पास में जो भविष्य में ऑप्शन होंगे ना वो बहुत सारे होंगे और आप हमेशा ओपन रहोगे आगे बढ़ने के लिए। समझ गए, जब आप अपना बेस्ट देते हो ना उसके बाद अगर कुछ चीज होती है तो बहुत अच्छी बात है, नई चीज होती है तो आप कुछ दूसरा देखते हो तो वो चीज वहां पे बहुत काम आती है, यकीन मानिए। ओके, तो अपना बेस्ट देने की जो है वो कोशिश क्या करो, चाहे कोई सी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो। चलिए आगे बात करते हैं दैनिक का फ्रंट पेज, सबसे पहले बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर को एक अरेस्ट कर लिया गया, महाराष्ट्र के CM है उनके ऊपर रिमार्क करने को लेकर बात करेंगे इस मुद्दे के बारे में। यहाँ पे कांग्रेस और आपको मालूम ही अमरिंदर सिंह, सिद्धू और पंजाब, ये आपस में जो है गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें बोला है कि सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है क्रीमी लेयर को डिफाइन करने का। अब ये क्रीमी लेयर क्या होती है, क्या इसके क्राइटेरिया है, क्या अगर इसमें पैसा अगर इसका क्राइटेरिया नहीं है तो क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे।
यहां पे दोस्तों ये गुपकर अलायंस आप सभी को मालूम है, ये कश्मीर के अंदर बनाया गया था ओके, सारे अपोजिशन लीडर्स के द्वारा, उसके बारे में बात करी गई है। तमिलनाडु ने दोस्तों एक 100 करोड़ की अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जो कि लॉन्च करी, उसके बारे में बात करेंगे। और यहां पे एक लिकर का स्मगलर था, उसको कोर्ट ने सजा दी कि 3 महीने तक 5 बच्चों को पढ़ाएगा और साथ में जो भी फाइन है 1 महीने की जेल, ये सब तो उसको हुई है। तो ये बिहार के अंदर दोस्तों सजा है जो कि सुनाई गई। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये देश के अंदर पूरा मुद्दा है जो कि यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे को लेकर है। देखिए नारायण राणे जो है उनको ट्यूसडे को अरेस्ट कर लिया गया ओके, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र में, क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया रैली के अंदर। इन्होंने ये बोला कि उद्धव ठाकरे ने जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच दी है उस स्पीच के ऊपर मैं उनको चाटा मार सकता हूं। एक सीएम के लिए ऐसी स्पीच देने के बाद में दोस्तों पूरे राज्य में हंगामा मच गया। उसके बाद में पुलिस गई और भाई साहब को उठा के लेके आ गई, समझ गए। उसके बाद में दोस्तों काफी मुद्दा है जो कि यहाँ पे राज्य के अंदर हो गया है ओके, और ये है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही मुद्दा है जो कि पूरे राज्य में चल रहा है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूजडे को बोल दिया कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ सोल क्राइटेरिया नहीं है किसी भी बैकवर्ड कम्युनिटी को क्रीमी लेयर में डालने को लेकर ओके। क्या होता है कि क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर मान लीजिए सालाना किसी की 8 लाख रुपए से, अगर 8 लाख रुपए किसी की इनकम है, सालाना किसी की 8 लाख रुपीज से ज्यादा किसी की ओबीसी कैटेगरी में इनकम है तो उसको क्रीमी लेयर मान लिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत बोली कि सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं होता है, इसमें उस कास्ट का सोशल एडवांसमेंट कितना हुआ है उस पर्सन का, उस फैमिली का ओके, उसको हायर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब सर्विस में मिली है कि नहीं मिली है ओके, ये भी इक्वल रोल प्ले करती है किसी भी पर्सन को क्रीमी लेयर के अंदर डालने को लेकर, समझ गए मेरी बात। तो ये यहां पे बोली गई। एक्चुअली के अंदर हुआ क्या था कि हरियाणा के अंदर बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन एंड सर्विस एंड एडमिशन एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2016 लागू किया गया था, जिसमें बोला गया था कि अगर देखिए ये जो क्रीमी लेयर वाला प्रावधान है ये जनरल कैटेगरी एसटी एससी के लिए काम में नहीं आता, ये ओबीसी के लिए आता है। ओबीसी को 2 क्राइटेरिया में डिवीजन कर रखा है, एक तो क्रीमी लेयर एक नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वो मानी जाती है जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा मानी जाती है, साथ में अगर किसी के ए ग्रेड है ना जो पे ग्रेड है वो ए कैटेगरी में है तो उसको भी है ना क्रीमी लेयर में माना जाता है, और नॉन क्रीमी लेयर जिनकी सालाना इनकम कम होती है ओबीसी के अंदर। तो हरियाणा ने दोस्तों एक रूल लेके आए थे, नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें बोला था 6 लाख रुपए एनुअली जिसका आगे उसको क्रीमी लेयर है जो कि माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ 6 लाख से नहीं कर सकते आप, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि उसके परिवार में किसी को हायर एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, सोशल एडवांसमेंट उस जाति का हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब भी जो है वो देखना पड़ेगा। तो एक तरीके से वायलेशन है जो कि ये इंदिरा शौनी जजमेंट का माना गया है जो कि क्रीमी लेयर को लेकर जो है बेसिस ऑफ इनकम को लेकर बताया गया था, समझ गए। हालांकि इन्होंने तो 6 लाख ही कर दिया जबकि इंदिरा शौनी केस में 8 लाख रुपए था, ठीक है। अब यहां पे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इसका बैकग्राउंड क्या है, समझने की कोशिश करें। मंडल कमीशन जब आया था जिसमें रिजर्वेशन की बात करी गई थी ओबीसी की, तो 1990 के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि भाई 27% रिजर्वेशन जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को मिलेगा सिविल पोस्ट के अंदर, सर्विसेज के अंदर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा, ठीक है। इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, इंदिरा शौनी जजमेंट इसको बोलते हैं, जिसमें 27% रिजर्वेशन तो सपोर्ट किया गया कि ओबीसी के लिए 27% होगा ओके, लेकिन इसमें जो लोग बहुत ही ओबीसी में भी बहुत डेवलप है उनको क्रीमी लेयर में डाल दिया जाएगा जिनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, समझ गए मेरी बात। यह बात है जो कि इसके अंदर बोली गई। अब इसमें क्राइटेरिया रखा गया था 8 लाख रुपए ओके, फॉर दोज जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है जिनकी करंट इनकम जो है 8 लाख रुपए पर ईयर है और हर 3 साल में जिनकी इनकम बढ़ रही है, 2017 के अंदर जो है इसको रिव्यू किया गया था, तो 8 लाख से ज्यादा की अगर किसी की इनकम है तो उसको क्रीमी लेयर में डाला जाएगा, तो उसको गवर्नमेंट सुविधाएं में रिजर्वेशन जो है वो नहीं मिलेगा। इसमें दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी बात बोली गई है, अगर किसी के पेरेंट्स कोई रैंक होल्ड करते हैं, अगर कोई बढ़िया रैंक है किसी की, मान लो एक ग्रुप ए के अंदर है ना, पे ग्रेड 4,500 के आसपास है ओके, या फिर ग्रुप बी के सर्विसेज के अंदर है दोनों पेरेंट, या तो मदर फादर दोनों ग्रुप बी के अंदर हो, या अगर मदर फादर में से एक ग्रुप ए वाली कैटेगरी की जॉब करता हो, है ना, जैसे कि मान लो कोई पीसीएस निकाला हुआ हो, यूपीएससी से निकाला हुआ हो ओके, कोई बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हो ग्रुप ए वाली कैटेगरी के अंदर, और अगर वो ग्रुप ए के अंदर अंडर बिफोर द एज ऑफ 40 पहुंच गए तो उनके बच्चों को भी किसमें क्रीमी लेयर के अंदर डाल दिया जाएगा। अगर कोई बच्चे के फादर कर्नल या उससे हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर है आर्मी के अंदर या सिमिलर रैंक के नेवी के अंदर एयरफोर्स के अंदर है तो वो भी क्रीमी लेयर में माना जाएगा, समझ गए मेरी बात। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं दोस्तों जो कि क्रीमी लेयर को लेकर डिफाइन करे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी, समझ गए मेरी बात।
एक बार गाइस वीडियो को तुरंत तुरंत शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, अपने जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है सब जगह पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। एक बार तुरंत तुरंत शेयर कर देना, एक बार शेयर कर दो गाइस अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं तमिलनाडु को लेकर। तमिलनाडु ने दोस्तों क्या किया है, गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जैसे कि दोस्तों मनरेगा है। मनरेगा में आपको मालूम है ना 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जो है वो गारंटी दिया जाता है हर एक गांव के अंदर एक फैमिली के मेंबर को जो कि अनस्किल्ड होता है, मालूम है ये बात आपको। उसी की लाइन के ऊपर तमिलनाडु ने भी दोस्तों 100 करोड़ का अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जो कि लॉन्च करी है। ठीक है गाइस, इसमें लाइवलीहुड जो अर्बन पुअर है, जो शहरों के अंदर जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं उनकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए दोस्तों ये किया गया है। ठीक है, अभी तो 2 जोन में इसको इंप्लीमेंट किया गया, ग्रेटर चेन्नई के अंदर और एक और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया। धीरे धीरे सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना वहां पे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहां पे बोला जा रहा है और यहां पे बोला गया कि 4 करोड़ जो लोग है ना तमिलनाडु के अंदर अर्बन एरिया में रहते हैं जो कि इनकी पॉपुलेशन का 53% है जो कि तमिलनाडु का माना जाता है। इसके अलावा ये बोला गया कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं अभी 4 करोड़ के अंदर जो कि शहरों में रहते हैं लेकिन बहुत ही गरीब है, उनके पास में रोजगार का कोई साधन है जो कि नहीं है, तो उन लोगों को दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो इस स्कीम के तहत है जो कि दिया जाएगा। समझ गए मेरी बात, बहुत सारे यहाँ पे कम्युनिटी हॉल क्रिएट करे जाएंगे, मार्केट बनाए जाएंगे, लाइब्रेरी बनाई जाएगी, म्यूनिसिपैलिटी बनाई जाएगी, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा तो कंस्ट्रक्शन के अंदर इनको नौकरी है जो कि यहाँ पे मिल जाएगी। समझ गए, ऑब्जेक्टिव यही है कि COVID-19 में जिनकी नौकरी चली गई है उन सबको जो है वापस से जॉब है जो कि अवेलेबल करवाया जाए। ओके, यही बात जो है दोस्तों आरबीआई के जो गवर्नर है, पहले रंगराजन कमिटी, एक फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, उनकी एक कमिटी बनाई गई थी, उनकी कमिटी के हेड है ये रंगराजन जी तमिलनाडु के अंदर, तो उनके द्वारा भी ये बात बोली गई थी कि हम लोग सरकार क्या कर सकती है COVID-19 में जिनकी जॉब चली गई है उनको अवेलेबल करवाने के लिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के काम में यहाँ पे नौकरियां क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो उसी तर्ज के ऊपर दोस्तों किया गया। आपको मालूम है तमिलनाडु ने एक बहुत ही जबरदस्त काम ये किया है कि स्टालिन गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले अपना एक पैनल बनाया था, एडवाइजरी पैनल, उसके अंदर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जैसे कि अपने ये रंगराजन साहब हो गए, साथ में अपने सुब्रमण्यम साहब हो गए, ओके, अपने गीता गोपीनाथ हो गए, मतलब बड़े बड़े लोगों को उसके पैनल के अंदर उन्होंने इंक्लूड किया था, एडवाइजरी पैनल के अंदर, है ना, ताकि कैसे स्टेट को जो है डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 7। यहां पे दोस्तों जुडिशरी के बारे में बोला गया है। आपको मालूम है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर जस्टिस लेट मिलता है तो एक तरीके से जस्टिस नहीं देना जो है वो होता है। आपको मालूम होगा मैं पहले भी इस बारे में कई बार बात कर चुका हूं दोस्तों कि देश के अंदर 40% जुडिशरी की जो वैकेंसी है ना, हम बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सबसे बड़ा ओहदा जो है दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में जज, ओके, उनकी जो है वैकेंसी यहां पे खाली पड़ी, लेकिन सरकार जो है वो भी वैकेंट है, वो भी फिल नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इंडिया में हर 10 पोस्ट में हाईकोर्ट में से 4 सीटें हैं जो कि खाली पड़ी है 1 अगस्त तक का दोस्तों ये डाटा है जो कि यहां पे बताया गया, जिसमें से दोस्तों कलकत्ता, इलाहाबाद, उड़ीसा हाईकोर्ट की तो हालत सबसे ज्यादा खराब है। केसेस जो है दोस्तों पिछले उससे पहले जो 5 साल पहले पेंडिंग थे उससे ज्यादा पेंडिंग है जो कि पिछले 5 सालों के अंदर होने लग गए, क्योंकि 41% एक्टिव केसेस जो है हाईकोर्ट के अंदर वो पेंडिंग पड़े पिछले 5 सालों से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, वैकेंसी, जज नहीं है, जज नहीं होंगे तो ट्रायल जो है ज्यादा नहीं हो पाएंगे, केसेस रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, और जज भी ऐसा लगता है कि भाई अकेला आदमी हम भी कितना करें, तब उनको लगता है कि बर्डन इतना ज्यादा है तो वो भी क्या करते हैं फिर बहुत ही ज्यादा जो है उनका भी वो होता है भाई पूरे तो हो नहीं सकते तो फिर हम भी इतना ज्यादा एफर्ट क्यों लगाए, तो वो भी जो है कोर्ट को भी नॉर्मल तरीके से लेके चलते हैं, मतलब समझ रहे हो ऐसा होता है। तो अभी पिछले कुछ टाइम से मैं भी देख रहा हूं, मतलब जब से मैंने स्मेल फ्रॉड को लेकर पेटिशन लगाई है सुप्रीम हाईकोर्ट के अंदर, राजस्थान हाईकोर्ट में, तब से देख रहा हूं कि कितने ज्यादा केसेस कितने तरीके से पेंडिंग है जो कि रख दिए जाते हैं, समझ रहे हो, बहुत मतलब यार कभी इतनी छुट्टियां आती है, बात बात पे छुट्टियां आ जाती है। तो जरूरी है कि भाई जितनी ज्यादा वैकेंसी, जितने ज्यादा जजेस होंगे उतने ज्यादा फास्ट होगा प्रोसेस, और उतना ज्यादा जजेस के ऊपर प्रेशर बनेगा कि थोड़ा और ज्यादा अच्छे तरीके से काम किया जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो 70% तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर वैकेंसी है दोस्तों, 67% जो है केसेस पेंडिंग पड़े पिछले साल 5 सालों के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर। चलिए इसके अलावा वेस्ट बंगाल 58 रुपए पर कैपिटा जुडिशरी के ऊपर खर्चा करता है, पूरे लोवेस्ट है पूरे देश में, 58 रुपए पर कैपिटा ऑन द जुडिशरी। 26 लाख लोगों के ऊपर दोस्तों पता है कितने जज हैं, 1 जज 26 लाख लोगों के ऊपर है। ठीक है, तो वही यहां पे दोस्तों पूरा डाटा है जो कि बताया गया है। अनफील्ड पोस्ट अगर आप देखोगे तो तेलंगाना हाईकोर्ट, कलकत्ता, उड़ीसा, इलाहाबाद, राजस्थान,
है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म पेंडेंसी में, पेंडेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले राज्यों में पेंडेंसी का केसेस बहुत ज्यादा है। अंडर ट्रायल दोस्तों केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कन्विक्ट भी दोस्तों ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। जुडिशरी के ऊपर खर्चे की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है वो 50 रुपए के आसपास जो है वो कितने 100 रुपए के आसपास खर्चा कर रहा है। अदरवाइज वेस्ट बंगाल और उड़ीसा सबसे कम जो है, लीस्ट पर कैपिटा पैसा है जो कि खर्चा हो रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। पेज नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों मोदी और पुतिन जी के बीच में डिस्कशन हुआ अफगानिस्तान के क्राइसिस को लेकर, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा तालिबान लीडर्स को यूएनएससी की लिस्ट में से निकालने को कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो मोदी जी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दोस्तों ट्यूजडे को डिस्कस किया स्ट्रेटेजी को लेकर अफगानिस्तान के अंदर, और साथ में जो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है पांचों ब्रिक देशों के, उनकी भी दोस्तों यहां पे मीटिंग है जो कि हुई है, जो कि हमारे अजीत डोवाल जी के द्वारा क्या किया गया है, होस्ट है, जो कि वर्चुअल मीटिंग करी गई है। तो यहां पे दोस्तों बायलेटरल चैनल है जो कि यहां पे परमानेंट बायलेटरल चैनल है जो कि बनाने के लिए बोला गया। आप देख सकते हैं परमानेंट बायलेटरल चैनल दोनों देशों के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में। अब ये दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है क्योंकि हम ऑलरेडी दोस्तों आपको मालूम है तालिबान वाले इशू के अंदर चाइना पाकिस्तान और साथ में तालिबान अफगानिस्तान, ये तीनों तो एक हो चुके हैं। अब हमारे लिए, अब यूएसए दोस्तों वैसे हाथ खड़े कर चुका है, अब हमारे लिए जरूरत है कि रशिया जो है वो हमारे साथ में 100% खड़ा रहे, तब जाके हम क्या कर सकते हैं थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज है जो कि इसको कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि अभी तक दोस्तों चाइना और रशिया ये दो ही ऐसे बड़े देश है जिन्होंने अपनी एम्बेसी जो है ना वो अभी तक दोस्तों ओपन रखी हुई है अफगानिस्तान के काबुल के अंदर। अदरवाइज दुनिया के मेजरली सारे देशों ने अपने जो है डिप्लोमेट से उनको वापस बुला लिया, लेकिन इन दोनों ने अभी भी खोली हुई है। इसका मतलब क्या है कि इनका नेगोशिएशन या इनका जो डील है वो तालिबान के साथ में थोड़ा सा ठीक चल रहा है। अब रशिया का हमारे साथ में दोस्तों बायलेटरल चैनल बनाना हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर रशिया ही है जो कि हमारी मदद है, जो कि यहां पे करने वाला है थोड़ा सा तालिबान चाइना और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशराइज करने को लेकर। ठीक है गाइस, क्योंकि डर सिर्फ देखिए अभी हालांकि चाइना और पाकिस्तान सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर उनको ये बात पता नहीं है कि जिन लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं वही लोग इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है जो कि बनेंगे। क्योंकि तालिबान के पास में, मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको कि ओसामा बिन लादेन हो गया या फिर तालिबान हो गया, इनके पास में चरस ओपीएम जो होता है ना इनके बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है, इनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, ये कोई टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं बना के बैठे जिनके पास में पैसा है वहां से आएगा, ऐसा नहीं है। इनके पास में हेरोइन हो गया, चरस, गांजा, ये सब है जो कि बेच के ये इंटरनेशनल मार्केट से पैसा कमाते हैं। और अब ये लोग बेचेंगे कहां पे, अपने अड़ोसी पड़ोसी देश में ज्यादा बेचेंगे, पड़ोस में कौन है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी बॉर्डर से लड़ता है, और उसके बाद में रशिया को भी दोस्तों ये बहुत खतरनाक खतरा है कि रशिया के अंदर भी दोस्तों मॉस्को आपको मालूम है ड्रग का बहुत बड़ा अड्डा है, जैसे कि मैक्सिको है ना अमेरिकन वाले रीजन के अंदर, वैसे ही हमारे इस रीजन के अंदर जो मॉस्को है दोस्तों एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा यूथ है जो कि ड्रग वाला काम है जो कि करते हैं। हमारे लिए समस्या क्या है कि हम लोग गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में फंस जाते हैं, यानी कि जो ड्रग की गोल्डन ट्रायंगल है एक तो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में, गोल्डन क्रिसेंट है अफगानिस्तान ईरान पाकिस्तान वाला एरिया, तो दोनों के बीच में हमारा देश पड़ता है। तो ये जो सप्लाई होती है ना ओपीएम की चरस की वो हमारे यहां से बीच में से हमारा कंट्री पड़ता है। तो हमारे भी दोस्तों पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ओके ये जो रीजन है यहाँ पे काफी ज्यादा हमारे नॉर्थ ईस्ट हिमाचल हो गया, यहां पर भी काफी, गोवा हो गया, यहाँ पे भी दोस्तों ड्रग की सप्लाई है जो कि बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे लिए भी एक ये खतरा है और रशिया के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए दोस्तों दोनों देश साथ में मिलकर एक बायलेटरल चैनल बना रहे हैं कि तालिबान के इस ड्रग वाले इशू को जो है कैसे मैनेज किया जा सके, और साथ में टेररिज्म और ड्रग ये दोनों जो है प्रॉब्लम है। 45 मिनट का दोस्तों कॉन्वर्जेशन है जो कि दोनों के बीच में हुआ, जहां पे रीजनल सिक्योरिटी, काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन, स्प्रेड ऑफ टेररिस्ट आइडियोलॉजी और साथ में ड्रग एज ए कंसिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, इन सबको दोस्तों मुद्दे के ऊपर यहाँ पे बातचीत है जो कि हुई है। समझ गए मेरी बात। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सारे जो है इनके पास में पैसे कमाने का यही जरिया है। ठीक है, चलिए अगर आप गोवा जाओगे ना तो गोवा में तो दोस्तों आपको जितने भी आज के टाइम पे पब क्लब्स और बड़े बड़े जो पार्टीज हो रही है वो सब रशियन से करवा रहे हैं। मतलब गोवा और हिमाचल यहाँ पे दो जगह पे, हिमाचल में इजरायली और गोवा में रशियन। रशिया में आपको ऐसा होगा कि बहुत जगह पे इंग्लिश लिखी हुई होगी उसके नीचे रशियन लिखी हुई होगी। गोवा में देख के दिमाग खराब हो जाता है। नॉर्थ गोवा वाला जो मेजर पोर्शन है ना, जो ऊपर वाले बीचेस है पेंडोलिम और अंजुना बीच है, उसके ऊपर वाले जो बीचेस है मैंड्रिन एश्विन,
वहां पे बहुत जगह रशियन देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा क्या हो गया ये, मैं कहीं रशिया में आ गया क्या? लेकिन वहां पे काफी रशियंस रहते हैं पीस के तौर पे, काफी बिजनेस वहां पे रन कर रहे हैं और वहां पे ड्रग्स का भी काफी काम करते हैं वहां पे, तो इनके लिए जो है ये यहाँ पे काम जो है बिजनेस बढ़ जाएगा। चलिए तो इंडिया और इलिसिट ड्रग ट्रेड की बात करें तो देखिए UNODC यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम है उसने बोला था दोस्तों कि अभी हमारे यहाँ पे जो ओल्ड कैनाबिस है ड्रग है जैसे कि ट्रामेंडोल है ओके और मेथामफेटामिन है, ये सारे जो ड्रग है ना उनका यहाँ पे मेजर हब है जो कि इलिसिट ड्रग का इंडिया जो है भर रहा है, तो इसको कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। हम लोग क्या है मिडिल के अंदर है दो मेजर इलिसिट ओपियम प्रोडक्शन रीजन के अंदर, एक तो गोल्डन क्रिसेंट जैसे कि मैंने आपको बताया ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान, और एक गोल्डन ट्रायंगल जो कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर है। ठीक है, कौन से कंट्रीज है यहाँ पे इसके अंदर गोल्डन, ये देखिए म्यांमार लायोस और थाईलैंड MLT, तो दोनों के बीच में हम लोग फंस जाते हैं, इसकी वजह से भी हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिलती है। ये देखिए अफगानिस्तान में 37% इंक्रीज है जो कि ओपियम पॉपी कल्टिवेशन में 2020 के अंदर देखने को मिला है ओके गाइज। और इसके अलावा हेरोइन जो है उसका भी दोस्तों प्रोडक्शन है जो कि ये लोगों ने काफी बढ़ा दिया है, जो कि एक चीप सोर्स है दोस्तों ड्रग का। ओपियम तो फिर भी महंगा आता है चरस तो, लेकिन जो हेरोइन होती है ना वो ज्यादा डेंजरस है और बहुत सस्ती है। कोकेन महंगी आती है, हेरोइन तो सस्ती आती है। ठीक है गाइज, इस तरीके से तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रख सकते हो आप। 2.5 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर प्रोडक्शन है जो कि दोस्तों ये ओपियम के पॉपी प्लांट का जो है ये लोग करते हैं। मतलब यार 2.5 लाख हेक्टेयर के अंदर प्रोडक्शन, मतलब जैसे कि कोई हमारे यहाँ पे गेहूं नहीं उगा थे क्या, इस तरीके से मतलब ये लोग जो है वहां पे ओपियम उगा रहे हैं। ठीक है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं ये लोग। चलिए ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है उन्होंने बोला है कि हमारे पास में कोई रिक्वेस्ट है जो कि चाइना पाकिस्तान या किसी भी देश की तरफ से अभी तक तो नहीं आई है, ये जो तालिबान के जो टॉप लीडर्स है ना उनके ऊपर से सैंक्शन को हटाने को लेकर। आपको मालूम है इनके ऊपर दोस्तों पूरी तरीके से सैंक्शन लगा रखे हैं, है ना, जो तालिबान के जो टॉप लीडर्स है ये लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, ये लोगों के कोई ट्रेड नहीं कर सकते, ये लोग बाहर नहीं जा सकते, इस तरीके के बहुत सारे सैंक्शन है जो कि लगा रखे हैं। तो यूएन की 1988 सैंक्शन कमिटी है, ध्यान रखिएगा यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा 1988 की सैंक्शन कमिटी के बारे में। ठीक है गाइस, तो यूएन की 1988 सैंक्शन कमिटी है उसके द्वारा ये सैंक्शन जो है इनके ऊपर लगाए गए थे। नेक्स्ट मंथ है जो कि इसकी मीटिंग भी है जहां पे डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट है ना जैसे कि सिराजुद्दीन हक्कानी है, मौला बरादर है ना, इन सब के ऊपर दोस्तों यहाँ पे बात करी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ही है जो कि इस मीटिंग को लीड करने वाला है। हमारे जो यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम है तिरुमूर्ति, याद है TS तिरुमूर्ति नाम ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने दोस्तों बोला है ये चेयरमैन है कमिटी के 31 दिसंबर तक के, और अभी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जो है ये डिसाइड करने वाले हैं कि इनके ऊपर क्या है जो कि और होने वाला है। तो कुल मिलाकर 135 ऐसे इंडिविजुअल और 5 एंटिटीज को हमने यहाँ यूएन के अंदर जो है सैंक्शन है जो कि लगवा रखा है। ठीक है गाइस, तो इसमें 14 तालिबान के मेंबर भी है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं पीस और रिकंसिलिएशन एफर्ट के अंदर। तो क्या उनको ट्रैवल में एग्जम्पशन मिलेगा नहीं मिलेगा ये यहाँ पे बातचीत है जो कि करी जाएगी। ठीक है, हमने और यूएन ने दोस्तों हक्कानी ग्रुप जो है ना इनको दोस्तों बैन कर दिया था क्योंकि इन्होंने काबुल के अंदर इंडियन एम्बेसी के ऊपर 2008 और 2009 के ऊपर बम गिराए थे जहां पे काफी सारे 70-75 लोगों की हमारे यहाँ पे मृत्यु भी हो गई थी। 2012 के अंदर भी दोस्तों प्रेसिडेंट जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत बना था तो हमने मेक श्योर किया था कि ये ग्रुप जो है ना वो क्या हो जाए बैन हो जाए। ठीक है, अब इसके जो कई सारे लोग हैं जो कि तालिबान के अंदर पावर में आ गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है पेज नंबर 10। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो कि है प्राइवेट सेक्टर के बॉम्ब को लेकर। ठीक है गाइज, एक बार वीडियो को शेयर कर देना। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइज अपने व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे। चलिए तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं जो कि है यहाँ पे देख रहे हो आप राजनाथ सिंह जो है दोस्तों यहाँ पे एक हैंड ग्रेनेड के साथ में फोटो खिंचवाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि DRDO ने दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी है और एक प्राइवेट एंटिटी ने दोस्तों हमारे लिए जो है क्या बनाया है, एक हैंड ग्रेनेड है जो कि बनाया है। देखोगे ना पिक्चर में हैंड ग्रेनेड निकाल के फेंकते हैं। ठीक है, देखना शेरशाह, काफी सही पिक्चर है, शेरशाह भी रिलीज हुई है, काफी सही है जो कि उसके अंदर हमारे दोस्तों ग्रेट जो है विक्रम बत्रा की स्टोरी जो है वो बताई गई है। ओके, नहीं देखिए तो देख लेना इस वाले वीकेंड के ऊपर, शेरशाह बहुत सही मूवी बनाई है वैसे। चलिए आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए दोस्तों और तो कुछ यहाँ पे ये वाली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है और तो इंपॉर्टेंट नहीं है।
चलिए तो यहां पे बात करने वाले हैं दोस्तों मेकिंग ए फर्स्ट इन इम्यूनाइजेशन सप्लाई। इम्यूनाइजेशन सप्लाई प्राइवेट सेक्टर जो है दोस्तों आर्मी को नागपुर बेस्ड एक इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी है EEL, क्या नाम है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। इन्होंने दोस्तों फर्स्ट बैच मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का ट्यूजडे को दोस्तों आर्मी को जो है वो हैंड ओवर किया है। समझ गए मेरी बात। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है जो कि दोस्तों DRDO की लेबोरेटरी के द्वारा करी गई थी, पहली बार ऐसा हुआ है। ओके, ये 2016 के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है जो कि हुआ था, उसके बाद में कई सारे सक्सेसफुल ट्रायल है जो कि आर्मी के द्वारा और क्वालिटी एश्योरेंस करके एक अपनी विंग है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, तो उनके द्वारा दोस्तों डेजर्ट में हाई एल्टीट्यूड के अंदर प्लेन के अंदर बहुत सारी जगह के ऊपर समर में विंटर में बहुत सारे ट्रायल है जो कि करे गए ताकि दोस्तों फेलियर है जो कि नहीं हो जाए। पता लगा जरूरत पड़े तब ये प्राइवेट कंपनियों के ग्रेनेड फेल हो गए, इसलिए दोस्तों बहुत हाई लेवल पे टेस्टिंग इनका टेस्टिंग है जो कि सर्दियों में गर्मियों में प्लेन माउंटेन डेजर्ट सब जगह के ऊपर करेगा। फाइनली दोस्तों यहाँ पे इनको अप्रूवल है जो कि मिल गया है। ठीक है, तो हमारे जो पुराने दोस्तों हम लोग जो पहले ग्रेनेड काम में लेते थे ना, ये World War I के ग्रेनेड थे, World War I के टाइम वाले जो ग्रेनेड थे ना, वो वाले ग्रेनेड जो कि हम लोग काम में ले रहे थे, तो उनको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना था। तो इसलिए दोस्तों काफी लार्ज ऑर्डर है जो कि दिया गया था। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात, ये देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार के हैं, यहां से ऊपर से इनको ओपन करना होता है। चलिए आगे बात करते हैं एकेडमी अवार्ड फॉर पिल्लई मिश्रा। साहित्य अकेडमी ने दोस्तों ट्यूजडे को अनाउंस किया, ऑथर है दोस्तों यशोधरा मिश्रा और NN पिल्लई। 2020 का दोस्तों इनको मलयालम और ओडिया लैंग्वेज में काम करने को लेकर साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समझिए मेरी बात, अगर आप उड़ीसा के या मलयालम के एग्जाम दे रहे हो, केरला के एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ गए, साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में बात करें, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, और हमारे दोस्तों यहाँ पे जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है उसके अंदर ये कुछ भी राइटिंग करने पे प्लस इंग्लिश के अंदर लिखने पे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आगे बात करते हैं, पाकिस्तान ने दूसरे को दोस्तों सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च किया, इंडिजीनियसली डेवलप गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट जिसका नाम है Fateh-1। ठीक है, तो अगर आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हो तो आपसे पूछा जा सकता है Fateh-1 क्या है और किसका है, तो ये पाकिस्तान का इंडिजीनियस रॉकेट सिस्टम है। ठीक है गाइस, चलिए और इसके अलावा तो कुछ खास यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, 140 किलोमीटर की इसकी रेंज है। नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 12 दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, गुड न्यूज हमारे लिए। ओके, उसके बारे में काफी टाइम बाद में एक अच्छी न्यूज है जो कि सुनने को मिली है, जो कि है दोस्तों किसको लेकर, मैन्युफैक्चरिंग हब को लेकर। तो इंडिया दोस्तों दुनिया में सेकेंड नंबर पे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है डेजिग्नेटेड, यानी कि जिसको दुनिया में माना जा रहा है कि बेस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग हब की लोकेशन के तौर पे, तो इंडिया है दोस्तों जो कि यहाँ पे पहुंच गया है, इसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया ने दोस्तों US को पीछे छोड़ दिया और सेकेंड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन ग्लोबली जो है वो माना गया है। ओके, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से, तो यहाँ पे एक रियल इस्टेट दोस्तों कंसल्टेंट है कॉशमैन एंड वेकफील्ड, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट है जो कि किया गया है। ठीक है गाइस, तो अमेरिका की एक कंपनी है जो कि रियल इस्टेट के काम करती है, रियल इस्टेट का है ना कंसल्टेंट है कॉशमैन एंड वेकफील्ड, काफी बड़ी कंपनी है। तो इन्होंने दोस्तों ये बताया कि दुनिया में चाइना जो है वो नंबर वन के ऊपर है, अगर हम लोग डेस्टिनेशन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की डेस्टिनेशन की बात करें, तो सेकंड नंबर की बात करें तो हम लोगों ने USA को पीछे छोड़ दिया है। लास्ट ईयर हम लोग तीसरे नंबर के ऊपर थे, अभी हम दूसरे के ऊपर है, थर्ड नंबर पे USA है जो कि पहुंच चुका है। समझ गए मेरी बात, चलिए। और इसमें 47 कंट्रीज का रैंकिंग है जो कि यहां पे दिखाया गया है। चार मेजर पैरामीटर है जो कि ध्यान रखेंगे, अगर आप PCS या UPSC का एग्जाम दे रहे हो तो आपसे दोस्तों रैंकिंग के अलावा यह भी पूछा जाएगा कि कौन से चार पैरामीटर के ऊपर ये रैंकिंग है जो कि डिफाइन करी जाती है। तो आपके लिए सबसे पहली है इंपॉर्टेंट जो कि है दोस्तों किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को रीस्टार्ट करने को लेकर, यह पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है बिजनेस एनवायरमेंट, तीसरा क्राइटेरिया है ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपको मालूम है ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे यहां पे बहुत ही कम है क्योंकि हमारे यहां पे लेबर बहुत चीप में मिल जाती है। ठीक है, और चौथे बात करें दोस्तों आपके रिस्क, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो रिस्क होता है ना, कितनी सरकार बार बार बदल रही है, 5 साल चल रही है कि नहीं चल रही है, ओके तख्तापलट हो रहा है, तो ये सब जो प्रॉब्लम होती है ना उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी देश में आती है और वहां पे बिजनेसमैन को जो है हमेशा प्रॉब्लम रहती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मालूम है हमारे देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और 5 साल हर सरकार है जो कि यहां पे चलती है। ओके, बहुत ही कम ऐसा होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार फेल होती है। लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे हुई थी। ओके, उस बात को भी 20 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे चार मेजर पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, रीस्टार्ट कैपेबिलिटी टू रीस्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस एनवायरमेंट,
ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड द रिस्क, समझ गए, रिस्क इंडेक्स जिसको अपन कहते हैं। तो ये चार वाली चीजें जो कि आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है गाइस। चलिए अब देखिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है ये कि हम दुनिया का सेकंड डेस्टिनेशन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब का माना जा रहा है, ओके। और अगर हमें सेकंड डेस्टिनेशन माना गया तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बन चुका है, और हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है ये कि हम लोग हमारी मैन्युफैक्चरिंग को 10 गुना है जो कि बढ़ा सकते हैं, समझ गए। अब क्या है कि देखो, हमारे यहाँ पे अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब तो माना जा रहा है, लेकिन अब ये भी जरूरी है कि हम मैन्युफैक्चरिंग करें भी। हम जिस तरीके से दोस्तों हमारा जो ट्रेड डेफिशिएंट है ना, जो कि चाइना के साथ में हमारा बढ़ा हुआ है, दुनिया के साथ में बढ़ा हुआ है, उसको हम लोग नैरो करें, समझ गए, जितना कम कर सके ना उतना करें। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई सिटी है जिसको ये माना गया है कि टूरिज्म के लिए बहुत ही बेहतर है, लेकिन अब जरूरी क्या है कि आपकी सिटी को टूरिज्म में काम भी करने की जरूरत है ताकि वो टूरिज्म का हब बन सके, ओके। तो इसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया को माना गया है, तो जरूरी है कि अब सरकार इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम भी करे और जो है इसके रिजल्ट भी मिले ताकि हमारे जो जॉब्स है ना वो ज्यादा बढ़े। देखिए, सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट जो होती है ना मैन्युफैक्चरिंग का, वो यही होता है कि आप तो एक अपना ट्रेड डेफिशिएंट कम कर सकते हो, दूसरा जॉब क्रिएट कर सकते हो। लोगों के पास में जॉब क्रिएट करने का सबसे बढ़िया साधन यही है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो। एक फैक्ट्री के अंदर हजारों लोगों को जॉब मिलती है, समझ गए। तो ये जरूरी है कि आप लोग की अभी हम लोग अगर डेस्टिनेशन बने हैं तो जॉब भी क्रिएशन है जो कि हमारे यहाँ पे हो, समझ गए मेरी बात। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, आगे बात करते हैं। और फर्स्ट चाइना, सेकंड इंडिया, थर्ड यूएसए, फोर्थ कनाडा, चेक रिपब्लिक, इंडोनेशिया, लिथुआनिया, थाईलैंड, मलेशिया और पोलैंड, ये टॉप कंट्रीज है जो कि यहाँ पे बताई गई है, ठीक है गाइस। और ठीक है, आपको मालूम है दोस्तों, रिलोकेशन भी, कई सारे प्लांट है जो कि चाइना से भी रिलोकेट हो रहे हैं। कोविड 19 के टाइम पे भी यही हुआ था, कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे प्लांट रिलोकेट हो रहे थे। अभी भी चाइना की पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है वहां पे, तो है ना, अभी आपको मालूम है प्रॉब्लम चली रही है स्टार्टअप्स को लेकर वहां पे। एजुकेशन में तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, सिर्फ वेलफेयर ही करोगे, कंपनी चलाओगे नहीं। तो इसलिए दोस्तों बहुत सारी कंपनी जो है वो दूसरी डेस्टिनेशन जो कि फार्मा को लेकर, केमिकल को लेकर, इंजीनियरिंग सेक्टर को लेकर ढूंढ रही है, और उसका फायदा डायरेक्टली जो है वो हमें मिल सकता है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि पेज नंबर 13। हमारे लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक गेम्स को लेकर, ठीक है। तो आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं कि भाई हम भी ओलंपिक होस्ट करेंगे, लेकिन आपको मालूम है कुछ साल पहले भी ऐसा हुआ था कि मोदी जी ने बोला भी था, थॉमस को जो कि हेड है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, उनको बोला था कि भाई हम भी ओलंपिक करवाना चाहते हैं। उन्होंने बोला था कि भाई अपने मेडल इंप्रूव कर लो, उसके बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे उनका स्टेटमेंट भी आया हुआ है कि इंडिया इंटरेस्टेड है 2036-40 के अंदर ओलंपिक गेम्स को करवाने को लेकर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा जो हर्डल है वो यही है कि हमारे मेडल बहुत कम है, ओके। अब जाके मतलब 35 मेडल है जो कि टोटल हमारे पास में हो चुके हैं, लेकिन जब तक हम लोग 20-50 मेडल जो है हर ओलंपिक में नहीं जीतेंगे, तब तक ये बहुत मुश्किल है कि हम लोग इतना बड़ा इवेंट है जो कि हमारे देश में करवा सके। अगर पिछले 5 सालों में बात करें तो पहले एशियन गेम्स हमने करवाया, कॉमनवेल्थ करवाया, लेकिन पिछले 5 सालों में 7 सालों में कोई भी बड़ा इवेंट है जो कि हम लोग होस्ट नहीं कर पाए हैं, ओके। क्रिकेट के अंदर जरूर हमने होस्ट किया, लेकिन बाकी ओलंपिक्स की और अगर मल्टी स्पोर्ट्स की बात करें तो वहां पे हम लोग नहीं कर पाए। तो जरूरी है पहले हम लोग एशियन गेम्स करें, कॉमनवेल्थ करें, उसके बाद में फिर ओलंपिक की तरफ जाएं। तो यहाँ पे बोला गया कि कई सारे देशों ने इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया है, जैसे कि इंडिया, जर्मनी, कतर, इंडोनेशिया, इन सब देशों ने जो है आने वाले टाइम पे इंटरेस्ट है जो कि दिखाया है, ओके। तो बहुत ज्यादा $20-30 बिलियन है जो कि चाहिए होते हैं मतलब एक ओलंपिक करवाने के लिए, तो बहुत ही लार्ज अमाउंट है जो कि चाहिए, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि 20-30 साल के अंदर इंडिया में भी ओलंपिक होए। उससे भी दोस्तों क्या होता है, बहुत नौकरियां, बहुत चीजें, बहुत डेवलपमेंट जो है वो होता है। चलिए आगे बात करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। यहाँ पे दोस्तों ब्रिक्स के लेकर बात करी गई है, इसके अलावा तो यहाँ पे बात करें तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो है जो कि अखबार में आई है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर ली। अफगानिस्तान के अंदर 2 बहनें जो है वो बिछड़ गई थी, अमेरिका में वापस से मिली, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो है जो कि किसी के द्वारा क्लिक करी गई। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, ये भी आपने अखबार में देखा होगा, पढ़ा होगा, जो कि दोस्तों पाकिस्तान से जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब को वापस है जो कि लेके आया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं डिवोटीज इस तरीके से स्वरूप जो है वो लेके आ रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी का, अफगानिस्तान के वहां से सिख का इवैक्यूएशन करवाया जा रहा है, और गुरुद्वारे से वहां से गुरु ग्रंथ साहिब को वापस है जो कि इंडिया में लेके आया जा रहा है, समझ गए। तो ये स्वरूप नाम आपने बहुत जगह सुना होगा दोस्तों, तो ये होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए स्वरूप क्या होता है, एक फिजिकल कॉपी होती है गुरु ग्रंथ साहिब की। देखो हुआ क्या था, आपको मैं बताया था, जो 5वें सुगुरु थे, पहले क्या होते थे कि हर गुरु आते थे अपनी, उनके पीछे जो है सारे के सारे फॉलोवर चलते थे। 5वें सुगुरु जो है गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने कंपाइल किया था पहला बीर। बीर का मतलब होता है एक तरीके से उसकी रिटर्न फॉर्म है ना। तो पहला बीर जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो उन्होंने लिखा था 1604 के अंदर, समझ गए, और गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर उसको इंस्टॉल किया गया था। एक तरीके से बीर क्या, एक तरीके से पूरा
डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से है ना, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का डॉक्यूमेंटेशन किया था। उसके बाद में जो 10th सिख गुरु थे अपने गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने दोस्तों 9th मास्टर जो थे गुरु तेग बहादुर, इसके अलावा 2nd जो मास्टर थे और जो लास्ट थे उनकी काफी सारी चीजों को उन्होंने और भी कंपाइल किया। ओके, और उन्होंने 708 के अंदर ये बोला कि गुरु ग्रंथ साहिब ही लास्ट गुरु है और फॉरमोस्ट गुरु है, यानी कि जो 10th लास्ट गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी है। उसके बाद में गुरु जो है किसको माना गया, गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु है जो कि माना गया, जो कि एक तरीके से लिविंग गुरु है जो कि सिखिज्म में माने जाते हैं। समझ गए मेरी बात। अब जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना उसके अंदर दोस्तों 6 गुरु के तो राइटिंग श्लोक है, उसके अलावा 15 सेंट की राइटिंग है, इसके अलावा भगत कबीर है, भगत रविदास है, शेख फरीद है दोस्तों उनकी भी राइटिंग है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है। ओके, भगत राम नामदेव है, 11 भट्ट है, 4 सिख है, इन सबकी दोस्तों श्लोक है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखे हुए हैं। समझ गए मेरी बात। और 31 रागास के अंदर इनको कंपोज है जो कि किया जा चुका है। अब ये जो पूरा अपने गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना इनकी क्या होती है, कई सारी कॉपीज है जो कि गुरुद्वारा के अंदर रखी जाती है। ठीक है गाइस, तो ट्रेडिशन है पंजाबी में सिख में हिंदू के अंदर की गुरु ग्रंथ साहिब की जो कॉपी है, ओके, पहले तो हाथों से लिखी जाती थी लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ब्रिटिशर्स ने प्रिंटिंग प्रेस जारी कर दी, फिर उसके बाद में प्रिंट होने लग गई। तो प्रिंट जो करने का जो इसका जो पूरा दारोमदार होता है वो कमिटी है सिखिज्म के अंदर, उनके द्वारा ही प्रिंट है जो कि करवाया जाता है। ठीक है, तो कई सारे स्मॉल कॉपीज जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब की वो सिख सोल्जर्स को भी देना चालू किया था ब्रिटिशर्स ने, और अभी श्रोमणी गुरुद्वारा कमिटी है उनके द्वारा इसको प्रिंट है जो कि करवाया जाता है। तो ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना वो सारे गुरुद्वारे में रखी जाती है। अब क्या हो गया कि वहां पे अफगानिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो जितने भी हमने वहां पे गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब को रखा हुआ था ना हम उनको वापस से लेके आके इंडिया में रिलोकेट कर रहे हैं। लेके आने का तरीका ये होता है कि 5 लोग जो है ना वो अपने सिर पे लग के रख के जो है गुरु ग्रंथ साहिब को लेके आके रीइंस्टॉल है जो कि करते हैं इधर वाले गुरुद्वारा के अंदर। जो पुराने हो चुके होते हैं दोस्तों बीर, यानी कि जो पुरानी कॉपीज होती है ना उनको क्रीमेट किया जाता है, और ठीक है इनकी उनको अच्छी तरीके से क्रीमेट किया जाता है, और टोटल जो है 13 स्वरूप यानी कि जो कॉपीज है ना वो दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर रखी हुई थी, जिसमें से 6 तो पहले ही जो है लेके आ चुके थे और अभी 3 अभी लेके आ चुके हैं और अभी थोड़ी बहुत और बची है, 3-1 के आसपास 4 और बची है, वो भी अभी कुछ दिनों के अंदर लेके आने को लेकर बोला गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी आपको इसके बारे में मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं दोस्तों न्यूयॉर्क की पहली वुमेन गवर्नर को लेकर। पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि न्यूयॉर्क के अंदर कोई महिला है ना वो गवर्नर बनी है, जिनका नाम दोस्तों आप देख सकते हैं कैथी होचिल है, जिनका नाम है फर्स्ट फीमेल गवर्नर न्यूयॉर्क की जो है वो मिडनाइट के ऊपर बन गई है। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है, 62 साल की डेमोक्रेट है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं जो कि दोस्तों पोर्टल है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के डेटाबेस के लिए दोस्तों लॉन्च किया गया। तो यहां पे ई श्रम नाम से दोस्तों पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है, पेपर में पूछेंगे तो ध्यान रखना अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का ये डेटाबेस है। ओके गाइस, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो भूपेंद्र यादव है उनके द्वारा इसको लॉन्च है जो कि किया गया है। इसके अंदर बोला गया कि हम लोग 38 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है ना उनको क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। आपको मालूम है दोस्तों अभी प्रॉब्लम क्या आ गई थी कि जब कोविड में माइग्रेशन हुआ तो सरकार को कुछ भी जानकारी नहीं थी, कितने माइग्रेंट है, कितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, कितने का पलायन हुआ है, कितने डॉक्टर मरे हैं, कितनी प्रॉब्लम हुई है ना, किसानों की इनकम तक जो है वो सरकार को नहीं पता, डबल करने के बाद 2022 तक करते हैं, तो प्रॉब्लम ये थी। तो इसलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि भाई आप डेटाबेस तो बनाओ उसके बाद ही तो काम होएगा, काम कैसे हो पाएगा। तो फाइनली दोस्तों ये पोर्टल बनाया गया जिसमें 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर का डेटाबेस है, कंस्ट्रक्शन लेबर है, माइग्रेंट वर्कफोर्स है, स्ट्रीट वेंडर है, डोमेस्टिक वर्कर है, इन सबका डालने के लिए बोला गया। 12 डिजिट का यूनिक नंबर होगा, ओके, जो कि एक वर्कर का यहाँ पे इंक्लूड डाल जाएगा, उसी के बाद में उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ऑफिशियल को द्वारा मिली जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमारे देश में आप देख सकते हैं 38 करोड़ मतलब 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 1/3 करोड़ बोला जा रहा है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी कि रेडियो पे, माइग्रेंट पे मजदूरी करने वाले लोग हैं, समझ रहे हो, ये हमारे देश की। अब सोचिए 40 करोड़ जो लोग हैं इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन जो है वो कैसे मिलेगी, अगर अच्छे गवर्नमेंट स्कूल नहीं होंगे, अच्छे एनजीओस अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे ना, अच्छे स्टार्टअप्स नहीं होंगे जो कि इन बच्चों को एजुकेशन दे सके। 40 करोड़ लोग होना यार, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है, मतलब 40 करोड़ लोग है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर रेडी में पान की थड़ी लगा रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं, ओके, अपने सब्जियों की लेबर का काम कर रहे हैं, ये सब लोग हैं। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे इंफोसिस के बारे में। इंफोसिस ने भी दोस्तों $100 बिलियन का दोस्तों मार्क है जो कि मार्केट वैल्यूएशन का टच कर लिया, ओके, और सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है जो कि बन गई। ठीक है गाइज, और फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है जो कि
इंडिया के अंदर रिलायंस टीसीएस एचडीएफसी के बाद में फोर्थ नंबर की ओवर इंफोसिस है जो कि बन गई है। ठीक है, तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। चलिए आप देख सकते हैं, और रिलायंस जो है वो है 192 बिलियन डॉलर की, टीसीएस 180 बिलियन डॉलर, एचडीएफसी 116 और उसके बाद 101 बिलियन डॉलर पे इंफोसिस है। चलिए इसके अलावा दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस है ज्वाइंट वेंचर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनपीओ, ओके, जो रशिया के काम है, ये दोनों दोस्तों प्रपोज कर रहे हैं, प्लांट है जो कि लगाने वाले हैं, कहां पे, उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोजेक्ट है जहां पे 300 करोड़ का बोला जा रहा है कि प्लांट है जो कि यहां पे लगाया जाएगा, जिसमें रशिया और इंडिया, आपको मालूम है ब्रह्मोस का मतलब क्या है, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा दोनों नदियां हैं इंडिया रशिया की, दोनों को मिलकर ब्रह्मोस बनाया गया था। तो इसका एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि कहां पे, यूपी के अंदर है, जो कि लगाने के लिए बोला गया है। समझ गए मेरी बात? चलिए, तो आपसे पेपर में पूछेंगे तो ध्यान रखिएगा। ओके, उत्तर प्रदेश के एक एक्सप्रेस वे इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी और चीफ सेक्रेटरी जो है वहां पे एडिशनल, उनके द्वारा ये बात है जो कि बोली गई है। ठीक है, इस आगे बात करते हैं जनसत्ता की। तो दोस्तों, उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाली टिप्पणी पर राणे गिरफ्तार हो चुके हैं, और ठीक है यहाँ पे ये जेपी नड्डा का भी स्टेटमेंट आया है। ठीक है, ये तो अलग ही कहानी चल रही है। यहाँ पे दोस्तों, केंद्र सरकार की एक वेबसाइट थी, उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि मुगल एम्पायर का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही ग्रेट था, है ना, उस टाइम पे पूरा देश एकता में बंध गया था, ये सब। तो किसी ने जो है ट्वीट कर दिया कि भाई ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है मुगल एम्पायर के बारे में, तो मिनिस्ट्री ने वो पेज हटा दिया, उसके बाद पूरी वेबसाइट ही हटा दी। ठीक है, भारतीय संस्कृति और धरोहर का जो है ना पेज, वो पूरा का पूरा ही सरकार ने हटा दिया, संस्कृति मंत्रालय ने। चलिए, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करी जाए तो कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे दोस्तों, ये तो बात मैं बता ही चुका हूँ, खैर पेपर पॉइंट अभी से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कैनाल इस्तांबुल प्रोजेक्ट को लेकर। तो देखिए, रिसेंटली जो है क्या किया है ईरान ने, जो है दोस्तों एक और नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अपने वहां पे ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो उसका नाम है इस्तांबुल प्रोजेक्ट, जो कि दोस्तों वहां पे काफी टाइम से, इलेक्शन के टाइम पे भी, और काफी प्रोमिनेंस जो कि ये मुद्दा वहां पे ले चुका है। ठीक है, पहले दोस्तों यहाँ पे एक और एग्जिस्टिंग रूट था बिजनेस करने के लिए, कैनाल बना हुआ था, ओके, जिसका नाम था यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट दोस्तों ग्लोबली जो है ना, यहां से काफी सारे शिप है जो कि ट्रेड करने के लिए जाती है, दिख रहा है आपको यहां से। तो यहाँ पे दोस्तों दो प्रकार के ट्रेड, एक रूट है, एक तो बॉस्फोरस हो गया, और इन्होंने क्या किया, एक इस्तांबुल एक और नया कैनाल है जो कि ये लोग बना रहे हैं। समझिए मेरी बात, बॉस्फोरस तो जो है ये ग्लोबली है, ये तो पहले से काम में लिया जाता था, नेवी शिप अलाउ नहीं है यहां से, लेकिन जो कमर्शियल है ना वो सारी अलाउ है। अब ईरान ने दोस्तों क्या कर दिया है, इस्तांबुल सॉरी टर्की ने दोस्तों क्या कर दिया है अपने यहाँ पे, टर्की, ईरान की बात नहीं करें, टर्की की बात करें, टर्की ने दोस्तों अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर दिया है, एक और नया कैनाल है दोस्तों जो कि यहाँ पे बना दिया है। ओके, ये देख सकते हो आप, ये तो बॉस्फोरस है ना, ये ब्लैक सी और आपके मरमारा सी को दोस्तों ज्वाइन करता है, यहां से बहुत सारे शिप है जो की जाती है इस वाले एरिया से टर्की के, इसी के पास में दोस्तों क्या कर दिया, एक और नया कैनाल है जो कि इन्होंने बना दिया है। ठीक है, जिससे दोस्तों ये लोग जो है ट्रेड करने को लेकर बात कर रहे हैं। लास्ट ऑप्शन है जो कि प्रेसिडेंट एर्डोगन को अपने ऑफिस में रिटेन करने के लिए बोला जा रहा है, इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है इसको, इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, तो एर्डोगन को लिए प्रेसिडेंट बने रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि वहां पे बन चुका है। ठीक है, मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है जो कि इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है वहां पे, और काफी रेवेन्यू है जो कि कंट्री के लिए जनरेट करेगा। अपोजिशन पार्टीज और एनवायरमेंट ने बोला है कि काफी यहाँ पे मल्टीलेटरल ट्रीटीज को आपने तोड़ा है, एनवायरमेंट का नुकसान किया है, पीस का नुकसान किया है, इसको बहुत ही क्रेजी प्रोजेक्ट है जो कि वहां पे बताया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि जब हम ये कैनाल बना रहे हैं ना, उसके पास में बहुत डेवलपमेंट करेंगे, देखिए इस प्रकार से मल्टी डेवलपमेंट के लिए दोस्तों इनके द्वारा बोला गया है। ठीक है गाइस, चलिए, और 15 बिलियन डॉलर का दोस्तों ये कॉस्ट है जो कि इसको बताया जा रहा है, 45 किलोमीटर का है, 21 मीटर का डीप है जो कि इसको बताया जा रहा है। वैसे अगर मैं बात करूं तो टर्की दोस्तों बहुत ही खतरनाक देश है, टर्की जो है वो सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत ही बकवास होगा, लेकिन दोस्तों टर्की अपने आप में बहुत ही जबरदस्त कंट्री है। अगर मैं टूरिज्म की बात करूं तो अपने यहां से 3 गुना जो है टूरिज्म वहां पे देखने को मिलता है, और काफी अच्छा डेवलपमेंट है जो कि एक उस जो कि टर्की का है। एक्चुअली के अंदर क्या यूरोप और एशिया का गेटवे माना जाता है, तो यूरोप की तर्ज के ऊपर आता है एशिया में, लेकिन जो है यूरोप की तर्ज के ऊपर टर्की में डेवलपमेंट है जो कि देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो कैनाल है वो बिल्कुल पैरेलल है जो कि इस वाले स्टेट के बनाई गई है। ठीक है गाइस, और ये जो ट्रैफिक होता है ना यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट का, वो गवर्न होता है मॉन्ट्रेस कन्वेंशन के द्वारा। ठीक है गाइस, और यहाँ पे इसके द्वारा रशियन शिप को भी एंट्री मिली हुई है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि यहां से जा सकते हैं, नेवी शिप को दोस्तों यहाँ पे अलाव है जो कि नहीं है। ठीक है गाइज, चलिए ऑल राइट, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि यहाँ पे दोस्तों ऑयल और गैस कंपनीज को लेकर, ऑयल और गैस कंपनी ने दोस्तों क्या कर रहे हैं,
ग्रीन एनर्जी का ऑप्शन है दोस्तों, जो कि ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली दोस्तों जो इंडिया की भी ऑयल कंपनीज है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये लोग भी क्या कर रहे हैं कि ऑयल और नेचुरल गैस को थोड़ा सा साइडलाइन रख के रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम पे कार्बन को भी कम कर सके और अपना डिपेंडेंस जो है क्रूड ऑयल के ऊपर, गैस के ऊपर, वो भी कम करके रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा सके। तो ये भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट है जो कि कर रहे हैं। इनका टारगेट है जैसे कि 10 गीगावाट का प्रोडक्शन करना 2040 तक रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कई सारी ऑयल कंपनी है जो कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है जो कि कर रही है। इंडिया ने भी टारगेट बनाया है कि 2030 तक 450 गीगावाट का टारगेट है जो कि बनाया है। अभी हम लोग 100 गीगावाट है जो कि यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे काम है जैसे कि हाइड्रोजन कैरियर को लेकर है, मिथेनॉल को लेकर है, इसके अलावा शिप के अंदर हो गया, आपके ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, एलएनजी के अंदर हो गया, बहुत जगह के ऊपर दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करके काम में लिया जा सकता है। तो ओएनसीजी है ना, ओएनजीसी ने एम किया है कि 10 गीगावाट का प्रोडक्शन करेंगे 2040 तक। अभी मात्र 178 मेगावाट का प्रोडक्शन है जो कि ये लोग कर रहे हैं। वैसे गेल जो है वो भी दोस्तों अपनी कैपेसिटी को 1 गीगावाट से 1 गीगावाट करना चाह रही है आने वाले 3 से 4 साल में। अभी मात्र 130 मेगावाट का प्रोडक्शन है जो कि ये लोग करते हैं। ओके, नियर बाय डाइसो इलेक्ट्रिक चार्जिंग बैटरी स्टेशन भी जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है IOL जो कि लगाने को लेकर बोला जा रहा है। उसी प्रकार से हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL है, टाटा पावर है, ये लोग भी चार्जिंग स्टेशन है जो कि दोस्तों पेट्रोल स्टेशन के ऊपर लगाने की बात कर रहे हैं। जिस दिन दोस्तों पेट्रोल पंप के ऊपर आपको वहां पे इलेक्ट्रिक चार्जर वहां पे मिल गए ना, समझिएगा दोस्तों देश पूरी तरीके से बदल जाएगा। सब लोग जो है पेट्रोल डीजल के व्हीकल छोड़ देंगे और इलेक्ट्रिक के ऊपर आ जाएंगे, और उस दिन जो है रेल के अंदर मतलब पॉल्यूशन जो है वो काफी कम हो जाएगा, समझ गए। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे सरकार क्या करती है, स्कीम तो लॉन्च करती है लेकिन जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है ना तो वहां पे फेल हो जाती है। अभी ओला वोला से लेकर जो प्राइवेट कंपनी है ना, ये लोग जो है दोस्तों इसके ऊपर पूरी तरीके से काम करने वाले हैं। हीरो भी आ रहा है और ये बहुत कंपनी जो कि प्राइवेट स्कूटर लेके आ गई है। तो ये लोग क्या करेंगे, स्टेशन जब लगाने चालू करेंगे ना तब दोस्तों क्या होगा, लोग सच में जो है सोचेंगे कि यार स्टेशन में पेट्रोल भरवाते हैं तो चार्ज ही कर लो, तब जाके रियल में चेंजेस है जो कि देखने को मिलेंगे। चाइना ने दोस्तों नया डेटा प्राइवेसी लॉ है जो कि यहाँ पे लागू किया है। इन्होंने दोस्तों साफ तौर पे कंपनियों को बोल दिया है कि भाई हमारा डेटा जो है, पहली बात तो आप बाहर नहीं लेके जाओगे, दूसरा किसी भी कस्टमर की परमिशन के बिना कोई भी डेटा है जो कि आप नहीं लोगे। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर है जो कि इन्होंने नया पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ है जो कि दोस्तों जारी किया है। एक तरीके से यूरोपियन लाइन के ऊपर ही दोस्तों इन्होंने जारी किया है, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है दोस्तों यहाँ पे राफा क्रॉसिंग को लेकर है। देखिए इजिप्ट ने दोस्तों राफा क्रॉसिंग को भी बैन कर दिया है। राफा क्रॉसिंग क्या है एक्चुअली में, देखिए चाहे इसराइल और गाजा के बीच में कितनी लड़ाई चलती रहे, इसराइल और गाजा के बीच में, गाजा स्ट्रिप मालूम है ना, छोटा सा एरिया है, ये इसराइल है, ये गाजा स्ट्रिप है। गाजा स्ट्रिप के ऊपर दोस्तों क्या है, पलेस्तीन जो है ना वो दो ही जगह पे बचा है, एक तो आपके वेस्ट बैंक वाले एरिया में और एक गाजा स्ट्रिप में। गाजा में भी क्या है कि पलेस्तीन के नाम पे वहां पे हमास करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है वहां पे रूल करती है। तो इसराइल और हमास के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन इजिप्ट जो है ना, कितनी लड़ाई हो, अपना जो रूट है ना गाजा और इजिप्ट के बीच में दिख रहा है आपको, ये कोने के अंदर दोनों की बॉर्डर टच होती है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको इजिप्ट और गाजा के बीच में। तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग का एक जरिया है इसको कभी बंद नहीं करता, लेकिन अभी दोस्तों उसने रिसेंटली इसको बंद कर दिया है क्योंकि इजिप्ट के ऊपर भी दोस्तों प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिल रही है। तो उसको जो बोलते ना उसका नाम है रफा क्रॉसिंग, ये नाम है इजिप्ट और गाजा के बीच में, समझ गए मेरी बात, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, ये देखिए गाजा स्ट्रिप है, इसी के पास में इजिप्ट है और ये इसराइल है। इसराइल और हमास जो एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई है जो कि होती रहती है। चलिए आगे बात करते हैं, न्यू पोर्टल दोस्तों जो कि मनरेगा के लिए बनाया गया है, मनरेगा के काम के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगस्त को दोस्तों नया जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल है जो कि लॉन्च किया है, युक्त धारा। युक्त धारा क्या है कि मनरेगा के द्वारा जो भी पॉन्ड बनाए जा रहे हैं, जो भी काम किया जा रहा है, आप क्या कर सकते हो, सैटेलाइट के माध्यम से उसके बारे में पता कर सकते हो। उसका नाम दिया गया है युक्त धारा, समझ गए मेरी बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चाहे आप प्लांट पॉन्ड बना रहे हो, डैम बना रहे हो, प्लांटेशन, रोड, प्लेग्राउंड, जो भी काम कर रहे हो मनरेगा के माध्यम से उसको ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा, युक्त धारा पोर्टल के द्वारा, समझ गए मेरी बात। चलिए तो ये जो दोस्तों जियो स्पेशल, ये देखिए कुछ इस प्रकार से मनरेगा में काम होता है। आपको मालूम है 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जो कि कम गारंटी है, और ठीक है युक्त धारा प्लानिंग न्यू मनरेगा एसेट जो भी होंगे ना, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के द्वारा पता करा जा सकता है। ठीक है गाइस, जो भी एसेट है, जो भी वहां पे उनके सामान है, काम है, सबको मॉनिटर है जो कि किया जा सकता है। चलिए जियो स्पेशल का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, ज्योग्राफी और मैपिंग को यूज करते हो और किसी लोकेशन के बारे में जानकारी देते हो, उसी को बोलते हैं। ठीक है गाइस, मनरेगा के बारे में बता ही चुका हूं,
सोशल सिक्योरिटी इंडियन लेबर लॉ है, राइट टू वर्क के माध्यम से आर्टिकल 21 के माध्यम से जो है ये मिला हुआ है। आपको मालूम है ना कि आपको नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी है, पर मालूम है ना देश के सिटीजन होने के नाते आर्टिकल 21 में आपको जिंदा रहने के लिए, सिटीजन रहने के लिए जरूरी है कि सरकार आपको रोजगार दे। समझ गए? तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, और अगर आपको लगता है नहीं भाई पढ़ाई नहीं होती है तो आपके लिए मनरेगा है। ठीक है, दोनों तरीके से नौकरी सरकार ने दे रखी है। ठीक है, चलिए। तो ये मनमोहन सिंह जी के टाइम पे दोस्तों 2005 के अंदर जो है ये लॉ है जो कि प्रपोज किया गया था। वो बात अलग है, पेपर कैंसिल हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, है ना, पेपर होते नहीं है। वो तरीका है सरकार का पेपर को डिले करवा के इलेक्शन के टाइम पे करवाने का ताकि वोट मिल सके। पहली बार इसको दोस्तों 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा इसको अनाउंसमेंट है जो कि किया गया था। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। यूनिसेफ के द्वारा बताया गया है कि जो इंडिया के जो बच्चे ना अपने, वो भी हाईएस्ट रिस्क के ऊपर है क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर। तो यूनिसेफ ने दोस्तों यहाँ पे डाटा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो देश के बच्चे हैं वो भी हेल्थ एजुकेशन और प्रोटेक्शन को लेकर काफी प्रॉब्लम के अंदर है, हाईएस्ट रिस्क के ऊपर है। ओके, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के साथ में हम चौथे कंट्री है दोस्तों जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क है जो कि बताया गया। पाकिस्तान 14वीं पोजीशन पे, बांग्लादेश 15, अफगानिस्तान 25 और हम दोस्तों 26वें नंबर पर है। नेपाल 51, श्रीलंका 61 और भूटान 111। 1 बिलियन 100 करोड़ बच्चे दोस्तों 33 कंट्रीज के अंदर एक्सट्रीमली हाई रिस्क के अंदर रहते हैं, जिसमें से हमारे यहाँ पे 60 करोड़ है, 60 करोड़ एक्यूट वाटर शॉर्टेज है जो कि देखने को मिलेगी। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। और 30 में से 21 सिटीज है जो कि हमारी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है। ठीक है, ये यहाँ पे दोस्तों नंबर है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ओके गाइज, चलिए आगे बात करते हैं जो कि ये दोस्तों वर्ल्ड संस्कृत डे को लेकर। संस्कृत डे दोस्तों पूरी दुनिया में 22 अगस्त को मनाया जाता है, और आपको मालूम है उत्तराखंड के अंदर दोस्तों संस्कृत विलेज भी है, तो वहां पे प्रमोट करने के लिए संस्कृत ग्राम है जो कि स्कीम लॉन्च करी गई है। इसके अलावा 8 शेड्यूल के अंदर दोस्तों संस्कृत एज ए क्लासिकल और 8 शेड्यूल लैंग्वेज भी हमने इंक्लूड कर रखी है। तो पूर्णिमा डे जब होता है श्रावण मंथ में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दोस्तों संस्कृत लैंग्वेज के रिवाइवल के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए, लर्निंग के लिए 1969 में पहली बार दोस्तों इसको नोटिफाई किया गया था। समझ गए मेरी बात? चलिए आगे बात करते हैं। देश को दुनिया में आपको मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि संस्कृत के अंदर लिखी हुई है, जिससे दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसमें हमारी एपिक स्टोरीज दोस्तों महाभारत, रामायण तो आप सभी को मालूम है। इसके अलावा दोस्तों अश्वघोष, बुद्ध चरित्र, ओके, हमारे कालिदास के द्वारा रघुवंशम, कुमार सम्भवम, है ना, मालविका अग्निमित्रम, बहुत ही जबरदस्त किताबें हैं जो कि हमारे जमाने में पहले दोस्तों लिखी हुई है। आज के इतिहास की बात करें 16वीं सेंचुरी में आज के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली शिप हेक्टर है दोस्तों जो कि सूरत पोर्ट पे पहुंचा था। 1689 में कलकत्ता सिटी की शुरुआत हुई। 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपॉइंट किया गया हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। इसके अलावा 1966 में मीर सेन ने दोस्तों गिब्राल्टर चैनल जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है उसको क्रॉस किया। फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा 2012 में, नासा का वॉयेजर 1। उसी तरह से माइकल शूमाकर के करियर की शुरुआत हुई आज के दिन 1991 के अंदर। वोकैबुलरी की बात करें तो प्रैग्मैटिक का मतलब होता है जब आपकी कोई बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका होता है ना किसी भी चीज को सॉल्व करने का, उसको प्रैग्मैटिक अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा रैशनल भी बोलते हैं, इंपीरियल भी बोलते हैं, बोलते हैं ना इंपीरियल फॉर्मूला है, तो वो इंपीरियल फॉर्मूला मैथमेटिक्स का काम इसलिए आता था क्योंकि कहीं ना कहीं उसका काम जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसलिए उसको इंपीरियल बोला है। एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल जो है ना फॉर्मूला वो किसी ना किसी प्रैक्टिकल चीज में काम आता है। तो रैशनल, एम्पिरिकल, प्रैग्मैटिक, इसका मतलब होता है प्रैक्टिकली सॉल्व करना। स्लंबर का मतलब है बहुत ही सोना। ओके, ओवरराइडिंग का मतलब बहुत ही ज्यादा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर सोचना, हैवी हो जाना कोई भी काम को, है ना। बेवेडलर का मतलब है हैरान करना। विम्सिकल का मतलब है मनमौजी, बहुत ही विम्सिकल होना, यानी कि बहुत ही मनमौजी होना। कैप्रिशियस भी बोलते हैं इसको, फिकल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। BHU10 या BHU10 यूज करके आपको 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउन क्लियरिंग सेशन, ये सब आपको मिल जाएगा। आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डालना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है गाइस, SSC, UPSC जो भी आपका गोल है, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। 12 या 24 महीने पे जाके नीचे BHU10 है जो कि आपको लगाना है। ठीक है गाइस, इसके अलावा और जल्दी दोस्तों 1 तारीख से मैं आप लोगों के लिए सुबह 10 बजे डेली स्पेशल क्लास लेके आने वाला हूं, और बहुत जबरदस्त जो है आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा स्पेशल क्लास के अंदर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं जीके का फाउंडेशन बैच जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूं 1 सितंबर से, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन है दोस्तों, पहला कैबिनेट मिनिस्टर जिसको अरेस्ट किया गया स्टेट पुलिस के द्वारा 20 सालों में पहली बार किसी कैबिनेट मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है। कितनी अजीब बात है यार,
$500 मिलियन का लोन दोस्तों भारत ने किस बेंगलुरु मेट्रो को फाइनेंस करने को लेकर। थर्ड है एंटीबॉडी टेस्टिंग, भारत 3 से 12 साल तक के बच्चों के लिए कौन से देश ने लॉन्च करी है। पहला पैरा